टीचर्स का जो है स्टैंडर्ड सही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि टीचर्स की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं थाना महानगर पालिका के हाथ में 23 उर्दू स्कूल आते हैं, 16 स्कूल मुमरा कौसा विभाग में है। ज़रा मैं माननीय तावड़े जी से इनका ध्यान चाहता हूं कि 16 स्कूल मुमरा कौसा विभाग में आते हैं, 2 बिल्डिंगों में चलाए जाते हैं। एक बिल्डिंग कौसा में है एमएम वैली में, 12 स्कूल एक ही बिल्डिंग में, 6000 बच्चे हैं। बच्चे 6 और 7 किलोमीटर से पैदल आते हैं, गरीब बच्चे हैं। कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन लेना जरूरी है, जिम्मेदारी सरकार की है। एक ही बिल्डिंग में 12 स्कूल चलता है, क्या आरटीआई के हिसाब से ये सही चल रहा है? क्या आरटीआई 12 स्कूल चल रहा है? और ये नजदीक है, जरा आप इसको चेक कराइए सर, उसके ऊपर जरा जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, मेरा ये आपसे निवेदन है। मैनेजमेंट में प्रिंसिपल एक बहुत अहम चीज होती है। 12 में से आप 2012 से 23 स्कूलों में से 19 स्कूल में प्रिंसिपल आज तक नहीं है। 2012 से आज तक 19 स्कूल बगैर प्रिंसिपल के चल रहे हैं। पीने का पानी नहीं, टॉयलेट नहीं, सर आप देखेंगे तो दरवाजा ही नहीं टॉयलेट में, स्कूल में दरवाजा नहीं। थाना मार पालगा में मेरे मुताबिक उर्दू स्कूल में 110 टीचरों की कमी, 110 टीचर सिर्फ थाना महानगर पालिका में मुमरा के इलाके में कम है और 19 प्रिंसिपल की कमी। शहर में बीएमसी स्कूल की तादाद कम हो रही है, मुंबई शहर के अंदर के सबब में बढ़ रही है। आज मुंबई में 1 लाख से ज्यादा उर्दू स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टीचरों की भर्ती नहीं हो रही, टीचर नहीं है, टीचर कम है। आपसे मेरा निवेदन है कि टीचरों की भर्ती का जल्द से जल्द आप उसका बंदोबस्त कीजिए। कारपोरेशन में